हो गया बड़ा ऐलान आईपीएल 2025 में रोहित शर्मा इस टीम के बनेंगे कप्तान। आपको पता होगा कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन रहा। सीरीज में मिली करारी हार के बाद हर किसी के चेहरे पर निराशा देखने को मिली। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के नेतृत्व में खेलते हुए टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच इस समय आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की चर्चा जोरों पर चल रही है। सभी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि इस मेगा ऑक्शन में टीमें किन खिलाड़ियों को रिलीज और रिटेन करेंगी। आपको बता दें कि मेगा ऑक्शन से पहले ही सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के दूसरी टीमों में शामिल होने की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। क्या रोहित शर्मा अगला आईपीएल मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं खेलेंगे? अगर ये सच हुआ तो फिर मुंबई इंडियंस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि अभी रोहित शर्मा ने आधिकारिक रूप से अगले आईपीएल सीजन को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि अगर रोहित ने मुंबई इंडियंस से अपना नाम वापस लिया तो वो कौन सी टीम में जाएंगे। आपको बता दे कि चर्चा ये भी है कि रोहित शर्मा इस बार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हो सकते हैं। सीएसके को रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी की जरूरत है जिन्हें टीम में शामिल करने पर विचार चल रहा है। अगर वो सीएसके में शामिल हुए तो क्या रोहित शर्मा फिर से कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे? आपको पता होगा कि वर्तमान में सीएसके के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ है और महेंद्र सिंह धोनी ने भी अभी संन्यास का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए रोहित शर्मा को कप्तान बनाना मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें टीम में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। आपको पता होगा कि इस साल के अंत में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होना है। इस बार खिलाड़ियों पर नोटों की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि आईपीएल के पिछले सीजन में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस से नाराज होने की खबरें आ रही थीं, जिसकी वजह उन्हें कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को टीम का कमान सौंपना माना जा रहा था, जिसके बाद हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच मैचों में तालमेल में कमी साफ तौर पर नजर आ रही थी। इसके अलावा मैदान पर हार्दिक पांड्या का व्यवहार भी रोहित शर्मा के प्रति सही देखने को नहीं मिला। इसीलिए माना जा रहा है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़कर किसी और फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस को छोड़ेंगे या नहीं, और अगर छोड़ेंगे तो वो कौन सी टीम में जाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।